सभी को नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आप सभी का एक नई वीडियो और चैनल के ऊपर स्वागत है। दोस्तों आज हम हर का प्रमेयीकरण करना सीखेंगे। अगर एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपके क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक से इसे समझते हैं। तो अगर आपको हर का प्रमेयीकरण करना आता है तो आप वीडियो को छोड़ सकते हैं, अन्यथा आप वीडियो को शुरू से लेकर आप अंत तक उसे जरूर देख सकते हैं। और कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर आप जरूर कमेंट करना भाई, आपको वीडियो कैसे लगती है। अच्छी लगती है तो भी आप कमेंट जरूर करना, अच्छी नहीं लगती है तो भी आप कमेंट जरूर करना। तो चलो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऐसे क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, किसी न किसी एग्जाम के अंदर या किसी क्लास के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, तो वहां बच्चे कंफ्यूज आते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज आज हम दूर कर देंगे। तो हमने सबसे पहले हम हर का प्रमेयीकरण समझते हैं। हर क्या होता है? ऊपर की, जैसे हमारे पास कोई भी संख्या होती है, अगर बटे में संख्या होती है, जैसे मान ले हमारे पास 2/5 जीबी है, तो इसको हम बोलते हैं अंश बोलते हैं। ऊपर की संख्या को हम अंश बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं, इसको हम हर कहते हैं। तो अगर हमारे पास रूट की संख्या कोई भी आ जाती है, अगर उसको हम गुना करते हैं आपस में, जैसे थोड़ा एग्जाम्पल के लिए अगर हम √2 के साथ अगर √2 की गुना करते हैं तो हम इसमें कितना आएगा इसका आंसर, मतलब इसका रूट खत्म हो जाएगा और इसमें लास्ट में इसका आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। चाहे हमारे पास रूट की सेम नंबर की अगर हम गुना करते हैं, तो अगर सेम नंबर के साथ अगर हम गुना करते हैं तो इतना आएगा। जैसे √3 के साथ हम √3 की गुना करते हैं, तो जैसे हम √5 गुना √5 कितना आएगा? 5 आएगा। अगर हम अलग अलग नंबर की गुना करते हैं, जैसे हमारे पास √3 गुना √2 आएगा, तो इसमें कितना हो जाएगा? √3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो हम इसकी ऐसे गुना कर सकते हैं। अगर सेम नंबर आता है तो हम उसका वर्ग हटा देंगे, तो उसको हम बगैर वर्ग लिख देंगे। तो चलो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा भाई हर का प्रमेयीकरण हम कैसे करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 1/√7 दिया गया है, 1/√7 है इसमें। तो सबसे पहले हम ऊपर की संख्या को अंश मानते हैं, नीचे की संख्या को हम इसमें हर कहते हैं। तो यहां लिखेंगे हम हल 1/√7 दिया गया। नीचे हर का प्रमेयीकरण करना है हमें, हर का प्रमेयीकरण मतलब हम गुना में उस संख्या को हम रखेंगे। तो यहां हम गुना करेंगे हम इसमें, तो इसमें रखेंगे हम √7/√7। सिर्फ हम हर का प्रमेयीकरण जो रूट में जो संख्या दी गई है उसके साथ दी गई है उसी संख्या का हम इसमें करेंगे। तो अब जैसे हम 1 के साथ, हम ऊपर से कोई संख्या नहीं है तो इसके साथ इसकी गुना करेंगे हम, इसमें कितना आएगा? √7 × 7 कितना आएगा? √7 × 7 आएगा। अब जैसे हमारे पास, हमने समझा था पीछे भाई √2 के साथ हमने √2 की अगर हम गुना करते हैं तो सिर्फ रूट हट जाता है, उसका 2 आता है। तो इसी तरह हम इसमें करेंगे, हम यहाँ √7 के साथ हम √7 की गुना करेंगे तो कितना आएगा? लास्ट में 7 आ जाएगा, क्योंकि अगर हम √7 गुना अगर 7 करते हैं तो इसके हम गुना वैसे भी कर सकते, 7 × 7 = 49 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे, 49 का हम स्क्वायर निकालेंगे तो इसमें लास्ट में कितना आएगा? 7 इसका आंसर आएगा। कितना आएगा? 7 आएगा। तो वही हमने इसके अंदर लिखा है, इसका आंसर ये आएगा। तो आशा है कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब हम अगले क्वेश्चन को करते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट है तो इनको अगर समझ जाते हैं आप तो एग्जाम के अंदर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप इसे अच्छी तरह से आप सोल्व कर सकेंगे। तो चलो हम अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है 1/√7 − √6। देखो वहां तो हमारे पास इसमें क्या था, एक संख्या दी गई थी, हमारे पास एक हर दिया गया था, लेकिन इसमें यहां हमारे पास इसमें 2 संख्या दी गई है। तो यहां इसको देख के थोड़ा सा कंफ्यूज आते हैं, तो इसको हम कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां लिखेंगे हम इसमें हल 1/√7 − √6। हमें क्या करना है इसमें? हर का प्रमेयीकरण करना है। तो हर नीचे की संख्या होती है, तो यहां हम सबसे पहले हम इसमें गुणा का निशान लगाएंगे। अब इसमें क्या रखेंगे हम? a^2 − b^2 जानते हैं आप इसमें, तो √7 + √6 और √7 + √6।
देखो हमें इसमें क्या करना है, अगर किसी भी रूट की संख्या का हम हर का परिमेयकरण करते हैं, अगर हमारे पास इसमें दो नंबर आ जाते हैं तो जैसे हम या अगर यहाँ हमारे पास इसमें माइनस की संख्या तो इसमें हम यहाँ इसमें प्लस करेंगे, अगर यहाँ हमारे पास इसमें प्लस आ जाती है तो यहाँ हम दोनों जगह इसमें क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो ये आप ध्यान रखना इस बात का भाई, यहाँ अगर हमारे पास इसमें माइनस आती है तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसमें प्लस रखेंगे, अगर यहाँ हमारे पास प्लस आती है तो यहाँ भी माइनस रखेंगे और यहाँ भी इसमें हम माइनस रखेंगे। अब हम इसमें एक के साथ इसकी गुणा करेंगे, हम रूट सात प्लस रूट छह, तो कितना आएगा इसमें, रूट सात प्लस रूट छह, अगर एक के साथ हम गुना करते तो वही नंबर आता है। अब इसमें इसके साथ हम गुना करेंगे तो सात सात इसमें कितना आएगा, उनचास, सात सात उनचास तो सात आएगा, अगर रूट सात का रूट के साथ रूट के हम गुना करेंगे तो सात आएगा, छह एकम छह तो इसमें कितना आएगा, छह घटा देते हैं इसमें, सात में से छह घटता है, हमारे पास कितना बचता है लास्ट में, इसका एक नीचे रखेंगे तो इसका लास्ट में हमारे पास इसमें आंसर कितना आएगा, रूट सात प्लस रूट छह बटा एक आएगा। अगर एक हमारे पास नीचे अगर कोई भी नंबर आता है तो उसको हम लिखे ना लिखे, क्योंकि उस संख्या को अगर हम वन से भाग करते तो हमारे पास वही संख्या इसमें आएगी। तो आशा है कि आपको ये क्वेश्चन भी सच तरह समझ में आएगा, इसको हम कैसे, यह आपको समझ में आएगा भाई, सात जैसे रूट के साथ हम की गुणा करेंगे तो सात आएगा, अब छह के साथ हम छह की गुणा करेंगे छह आएगा, तो एक छह सत्ते बयालीस माइनस में आएगा, ए की टू माइनस बी की टू आप जानते होंगे, इसमें फॉर्मूला क्या है, ए की टू माइनस बी की टू, तो इसमें क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला लगभग इसके अंदर लगता है। तो आशा है कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर तीन करेंगे, क्वेश्चन नंबर हम तीन को सोल्व करेंगे। तो वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने ज्यादा से ज्यादा हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर करना। क्वेश्चन नंबर तीन हमारा है, एक रूट पांच प्लस रूट दो, अब यहां लिखेंगे हम एक प्लस रूट पांच प्लस रूट दो, तो अब यहां सबसे पहले हम इसमें गुणा का निशान डालेंगे। अभी हमने क्या किया था, ए की टू माइनस बी की टू, जैसे हमने यहाँ इसमें माइनस प्लस दिया गया है तो इसमें हम किस में रखेंगे, हम माइनस में रखेंगे, किस में रखेंगे, हम माइनस में रखेंगे, तो रूट पांच माइनस रूट दो। अब एक के साथ हम इसकी गुना करेंगे हम, तो एक के साथ अगर इसकी हम गुना करेंगे तो रूट पांच माइनस इसमें रूट दो आएगा। अब देखो इसमें पांच के साथ हम पांच की गुना करेंगे कितना आएगा, पांच आएगा, तो ए की टू बी की, ए की टू माइनस बी की टू फॉर्मूला आपको याद होगा, वही फॉर्मूला हम इसके अंदर यूज करेंगे, तो इसमें कितना आएगा, पांच, तो पांच में से अगर हम इसको दो घटाएंगे हम इसमें, क्योंकि दो रूट दो रूट दो की गुना करेंगे हम, कितना आएगा इसमें दो, तो लास्ट में हमारा आंसर कितना आएगा, पांच रूट माइनस रूट दो, और पांच में से हम इसको दो को घटा देंगे तो हमारे पास इसमें तीन बचेगा, तो लास्ट में हमारा आंसर पांच रूट माइनस रूट दो आएगा, तो रूट पांच माइनस रूट दो बटे तीन इसका आंसर आएगा। तो आशा है कि दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर इसमें चार दिया गया है, क्वेश्चन नंबर इसमें चार, एक बटा रूट सात माइनस रूट दो दिया गया है, तो हम यहाँ इसमें रखेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे हम इसमें, हर नीचे की संख्या होती है, अंश क्या होता है, अंश ऊपर की संख्या होती है, तो इसमें एक बटा रूट सात माइनस रूट दो गुना, गुना का निशान लगाएं हम इसके अंदर। अब इसमें रूट सात, देखो यहां इसमें किसमें है, माइनस में दिया गया, तो हम इसमें यहां इसमें प्लस में रखेंगे, रूट दो और रूट सात प्लस इसमें रूट दो आएगा। अब देखो हम इसके साथ गुना करेंगे हम इसमें, तो रूट सात प्लस रूट दो आएगा। अब देखो हम पीछे भी हमने ऐसे ही किया था, लेकिन मैं पूरी अच्छी तरह से आपको गुना करके दिखा देता हूं, अगर हम सात के साथ सात रूट सात के साथ रूट सात की गुना करते हैं तो कितना आता है, सात आता है, सात आएगा। अब सात के साथ इसकी गुना करेंगे तो प्लस कितना आएगा, सात दूनी चौदह रूट आएगा, फिर सात दो के साथ इसकी गुना करेंगे तो माइनस कितना आएगा, चौदह रूट आएगा, रूट चौदह आएगा। अब दो के साथ इसकी गुना करेंगे दो रूट हट जाएगा इसमें आएगा, तो ये प्लस और ये इसमें क्या आएगा, माइनस आएगा, तो ए की टू बी की टू, ए की टू माइनस बी की टू इसमें, तो अब इसमें से इसको घटाते हैं, सात माइनस कितना आएगा इसमें, दो बटे दो आएगा। अब इसमें लास्ट में हम इसको इसमें घटा देते हैं इसमें, तो इज इक्वल टू है रूट सात प्लस रूट दो।
अब सात में से हम इसमें दो को घटा देंगे, सात में से अगर हम दो को घटाते तो हमारे लास्ट में हमारे पास कितना बचेगा, पांच बचेगा। तो लास्ट में हमारा आंसर कितना है इसमें, रूट सात प्लस रूट दो बटे इसमें पांच आएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल प्रेस जरूर करना ताकि सही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर जरूर करना। नमस्कार सभी को एक बार फिर से, थैंक यू।